देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको आपको पता आपकी आपकी माई है ना, वो भी आई है यहाँ आपके लिए। हाँ वो भी यही है। एक बात बोलूँ आपसे? बोलो। पता नहीं क्यों पर आप मुझे बहुत अपने लगते हो। आप यहाँ आ गए ना और ऐसे मेरे साथ हो, मुझे आपको ऐसे देख के लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। और अब मुझे किसी से डर भी नहीं लग रहा है क्योंकि अब मेरी शिव और पार्वती है मेरे साथ। हाँ हाँ बेटा, हाँ आपके साथ है, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी कभी अकेला नहीं होने दूंगी और छोड़ भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी जान हो, आप ना यहाँ रहते हो मेरे दिल में, जैसे दिल होता है और उसकी धड़कन होती है ना, आप वैसे हो मेरे लिए, मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे अपने हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ओके आप मुझे परी बुलाते हो ना, पर सच में आप मेरी परी हो, भगवान जी ने आपको मेरे पास भेजा है। नहीं आप मेरी परी हो, मेरी परी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ, मेरी एंजल है ना। आज टूटते हैं अम्मा, यहाँ नहीं है वो लोग। वो लोग कहीं और होंगे। नहीं यहीं है, ये आवाज सुनी थी। पर अम्मा मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। जो तुम लोगों की आंखें नहीं देख पाती मेरे कान सुन लेते हैं। दिमाग खराब हो गया बार बार बताकर। ये तो आंखें गई है लेकिन शरीर की हजार आंखें होती है जो देखती है, महसूस करती है। मैं कह रही हूँ वो यही है। देख वो दोनों कमरे से बाहर भागे, पकड़ उनको। भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा कंट्रोल करो। अरे कैसे कंट्रोल करूं, मैंने सोचा नहीं था आज का दिन इतना खराब जाएगा। अब मत रोक, मना खुद ने तसल्ली देने के लिए तो पीना ही पड़ेगा ना। आए, कुछ हो जाएगा सर। कुछ ना हो रहे यार, डरता क्यों इतना। ये क्या हुआ? अति को एक्सीडेंट है, करके देख। कब ये दोनों तो बेहोश लग रहे हैं। आई थिंक बस पानी भी नहीं मिलेगा। एक काम करते, इनको होश में लाने की कोशिश करते। भाई साहब, अरे भाई साहब, आप ठीक है? होश में आइए, ठीक है आप? ए, ठीक हो तू? हाँ वो गाड़ी टकरा गई और हम लोग
आप लोग? एक्चुअली हमारी भी गाड़ी खराब हो गई थी, हम लोग चलते हुए आ रहे थे तो आपकी गाड़ी दिखी तो लगा कोई एक्सीडेंट हो गया। आप दोनों ठीक है ना? आज तक सब सबने धोखा दिया है, लेकिन जो कोई मदद करता है मैं उसे कभी नहीं भूलता, एक के बदले हजार करता है। मैं मदद करूंगा तुम लोग की, चलो बैठो। एक सेकंड, मैं छोड़ता हूँ तुम लोग। मुझे नहीं लगता कि आपकी हालत बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप अरे मैं ठीक हूँ, तुम लोग बैठो। Are you sure? हाँ पक्का। ओके भैया कब? तो ठीक है चलिए। कहाँ जाना आपने? एक्चुअली हम लोग वो हवेली जा रहे थे। हवेली क्यों? वो एक्चुअली बच्ची किडनैप हुई, उसका नाम खुशी, कुछ गुंडे उसे उठाकर लेकर गए। आप लोग क्या लगते हो उसके? देखिए हम नहीं, प्राची और रणबीर जो हैं उस बच्ची को बिल्कुल अपना ही मानते, तो वो दोनों से ढूंढने गए। वहाँ प्राची के साथ कोई और भी है? हाँ वो क्या नाम था, लाली और विनी, वो भी उसे ढूंढ रहे। और वो बच्ची मिल जाती अगर? अगर अगर वो इंसान जो प्राची की हेल्प कर रहा था उसकी हेल्प नहीं करता तो? एक्चुअली हुआ क्या कि वो इंसान गलत समझ गया, उसे लगा कि प्राची पुलिस वालों से मिली हुई। इनफैक्ट जब मैं प्राची से बात कर रहा था तो उस इंसान को लगा कि मैं क्या तुम इंस्पेक्टर हो? हाँ, और उसके बाद उसने उसकी मदद। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता ये सब? हाँ वो स्टूपिड इंसान मैं ही हूँ, सॉरी। दरअसल गलती मारी है मैंने, मैडम जी को गलत समझ लिया, पर अब मैंने सच पता चल गया। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा, मैं तुम लोगों को हवेली जरूर लेकर जाऊंगा, चलो। लेकिन भाई हवेली में तो कोई नहीं है, हम वहीं से तो आ रहे थे। है मतलब? वहां बलबीरा था, मैंने उसे देखकर भी अनदेखा किया। एक सेकंड, कौन था वो बलबीरा? देखो तो मेरी बात सुनो, प्राची और रणबीर वहां पर है या नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम हमें हवेली लेके चलोगे, समझे तुम? मैंने आपसे कहा ना आपका एहसान है मुझ पर, और वीरा अपना एहसान कभी नहीं भूलता, चाहे अपनी जान भी दे दूं मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। चलिए मैं लेकर चलूंगा आपको हवेली पर। खुशी, ए! अगर एक कदम भी हिली ना यही गोली मार दूंगा तुझे। गोली मारोगे? मारो गोली, नहीं तो मारो गोली, तुम्हारी गोली की आवाज आएगी मेरे इस हवेली में। तुम लोगों के जो खास मेहमान आए हैं ना उन्हें पता चल जाएगा तुम क्या कर रहे हो। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। भागो खुशी। पार्वती आप छोड़ो मुझे और यहाँ से भाग जाओ, वो लोग आपके साथ भी बहुत। नहीं मैंने कहा ना मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कैसे नहीं मानेगा। मैं पार्वती के पास नहीं रहती, चली जाती हूँ वरना वो भी पकड़ी जाएंगी। मैं इधर हूँ। खुशी प्राची, मैं हूं रणबीर, कहाँ हो तू? यहाँ पे तो कोई नहीं है, मुझे इसी कमरे में बुलाया था ना उसने, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? पार्वती का पीछा करना छोड़ दे, उनके पास गन है और अगर वो पार्वती को सच में गोली मार देंगे तो उन्हें कुछ हो गया तो। कोई और चला कि नहीं?
शी, कहाँ चली गई? यही तो थी। हाँ भाग गई, इसी तरफ आई थी। कहाँ ढूंढो उसे, कहीं छुप गई होगी, डर के छुप गई होगी। खुशी, खुशी कहाँ है? क्या हुआ? खुशी यही थी, मतलब मेरे पास थी, मेरे साथ थी। हम भाग रहे थे, वो एक गन लेके आदमी पीछे पड़ गया। वो मुझसे कह रही थी कि आप जाओ, मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो आपको गोली मार देगा, बहुत खतरनाक है। वो डर गई बेचारी बंदूक को देख के, और उसे लगा कि वो आदमी मुझे गोली मार देगा, इसलिए मुझे बचाने के लिए वो जानबूझ के छुप गई। मुझे पता है खुशी कैसी, वो मैं ढूंढ रही हूँ उसे, बट वो यहीं नहीं छुपी हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई खुशी। भगवान, तुम्हारी गलती नहीं है, डोंट बी सॉरी। मैं जानता हूँ ना खुशी कैसी है। खुशी का दिल बहुत साफ है। वो किसी और के साथ गलत हुआ है, सब ऐसा नहीं देख सकती हो। तुम्हें पता है प्राची, यहाँ पे इकलौती खुशी नहीं है जो ऐसे परेशान है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इन लोगों ने कैद कर रखी है। कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। हमें सिर्फ खुशी को नहीं बचाना है, हमें यहाँ पे सारी लड़कियों को बचाना है। पहले हम खुशी को ढूंढेंगे, फिर हम उन सब लड़कियों को बचाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें सारी बच्चियों को बचाना है, हमें सबको यहाँ से छुड़ाना है। हमें सबको बचाना है, लेकिन सबसे पहले खुशी को ढूंढते हैं। सब आपके सामने, देखिए और बोली लगाइए। देखा सबने? ए, लड़कियों को अंदर लेके जाओ। अब चालू करते हैं वो काम जिसके लिए हम सब यहां पे आए हैं। नंबर एक से चालू करते हैं। पांच, आठ, डबल, 16। वाह, इससे और कोई ज्यादा, कोई और बड़ा कदरदान? तो नंबर एक हो गया आपका, 16 में वो हो गई आपकी। ले आओ लड़की को। अब बाकी लड़कियों से शुरू करते हैं, लगाइए। तो मैं अब चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। ले आओ लड़की को। चलो, चलो। चुप कर और चल। छोड़ो। चल। पार्वती। खुशी। खुशी की आवाज़ है। चलो, let's go. तू बड़े सगे वाली है भगवान जी की? हाँ हूँ, भगवान जी बहुत प्यार करता है मुझसे, वो हर चीज सुनता है मेरा, इसलिए छोड़ दो ना, प्लीज प्लीज अंकल, प्लीज ना, नहीं तो भगवान जी सच्ची आपको पनिश करेंगे, और अगर आप मुझे ऐसे छोड़ दोगे ना तो मैं उनको मना कर दूंगी और वो कुछ आपको बोलेंगे भी नहीं, इसलिए छोड़ दो ना, प्लीज ना, छोड़ दो मुझे। वो बंद करो रे, इसका जमीन से उगी नहीं और मुझे ज्ञान दे रही। आई थी, आवाज सुनी उसकी मैंने, खुशी खुशी
खुशी का। तुम ही ने मेरी बेटी को कहा है? मेरी खुशी कहा है? मेरी बच्ची कहा है? तुम खुद एक औरत हो ना, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने घिनौने काम करती हो छोटी सी बच्ची के साथ, नानियत के नाते ही सही कुछ? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करती। मुझे बस इतना बता दो, मेरी बच्ची कहा है? मेरी खुशी कहा है? बोलो बोलो, मेरी बच्ची कहा है? ये क्यों तमाशा कर रही है? जाने दो ना भाई। कौन है ये? माहू मैं। माहू मैं अपनी बच्ची की, अपनी खुशी की। मुझे बस बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी खुशी? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? ए चुप, क्या बोले जा रही है? दिखने में तो एजुकेटेड लग रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आए हैं? ये बिजनेस है तुम्हारा? और ये अपनी बकवास बकवास नहीं है ये। मुझे पता है सच क्या है, यहाँ क्या हो रहा है सब पता है। ये तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें उसे यहाँ ले आए थे ना? क्यों तुम्हें लोग लाए थे ना बच्चों को यहाँ? मेरी खुशी तुम्हारे साथ ही थी ना? बोलो कहाँ है मेरी खुशी? मेरी खुशी कहाँ है? बोलो जल्दी, वरना सही नहीं होगा। बताओ बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? वो मैडम ज्यादा तेवर नहीं, अब अमीर हो गए तो अपने घर पे हो गए, यहाँ ज्यादा नाटक किया ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ अब यहाँ से, और हमें हमारा काम करने दो, मैं निकालता हूँ। हाथ छोड़ मैडम का। अली मैंने कहा हाथ मैडम का छोड़, हाथ नहीं लगाना इनको, समझा? पकड़ने का नहीं। खुशी 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 कहाँ हो तुम? खुशी देखो प्लीज प्लीज बता दो मेरी बच्ची कहाँ है? वो रो रही होगी, वो चुप के बैठी क्योंकि डर गई है। वो इंसान नहीं हो क्या तुम? अगर चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज बता दो मेरी बच्ची कहाँ है? प्लीज, छोटी सी बच्ची है वो, बता दो मेरी खुशी कहाँ है? खुशी खुशी जितनी जल्दी निकलना है उतनी ही देर हो रही है। अब इसको क्या हुआ? ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अब ये फ्लैशलाइट को क्या हो गया? ये बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रहा है? इनमें से वो कौन सी गाड़ी जिसमें खुशी जाने वाली है? एक काम करता हूँ, सारी खराब कर देता हूँ। गाड़ियां खराब हो गई तो खुशी यहां से जा ही नहीं पाएगी। ये वाली पहले करता हूं। नाइस। इसकी गाड़ी है। भगवान का लाख लाख शुक्र कि तुम मुझे यहां मिल गए विल्सन। बच्ची कहां है? कौन बच्ची? अरे वो छोटी सी बच्ची कहां है जो यहां तक की हाइट थी कुछ 6 साल की थी और बहुत ही क्यूट सी लड़की थी। खुशी? हाँ वही, कहां है? उसकी तो डील हो गई। क्या? विल्सन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही। ओ भाई कहीं और देख, उसका सौदा हो चुका है। ऐसा कैसे सौदा कर दिया आपने मेरे बिना? अगर सौदा पहले ही करना तो मुझे बुलाए क्यों बिजनेस कर? माना हमारा धंधा इलीगल है, पर हमारे भी धंधे में थोड़ी ईमानदारी है कि नहीं है? कुछ कायदे कानून है और कायदे के हिसाब से मुझे एक मौका मिलना चाहिए।
उसकी बोली लगाने का एक मौका मिलना चाहिए। सालों से धंधा कर रहा हूँ मैं, मुझे अपने कायदे कानून मत सिखा, सबको टाइम पे बुला लिया था, तुम ही लेट आ गए हो, अभी किसी और को ढूंढो। एक सेकंड, इसकी डील कितने की हुई? 16 में। मैं 20 दूंगा। 20? हाँ। पागल हो गया क्या तू? मेरे पास पैसे हैं, डील रेडी है, इसलिए कह रहा हूं कि मैं 20 दूंगा। ठीक है, डील। अरे वाह विल्सन, शाबाश। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ये डील चाहिए 20 के ऊपर बोलो। ठीक है, 21। 25। अच्छा, हाँ। कहाँ से दोगे? जमीन खोद कर निकालोगे या आसमान से बरसेंगे? एक तो पता नहीं तुम कहाँ से आ गए अचानक, दिखाओ पैसा। कैसी बात कर रहे हो, और बार बार दो बड़े बात कर रहे हो, बीच में क्यों बोले जा रहे हो? ना ऊपर से आएंगे ना नीचे से आएंगे, पैसा मेरे पास है और अंदर से ही आएगा। हाँ तो दिखाओ ना। हाँ दिखा दूंगा, पर खाने से पहले मुझे डील फाइनल करनी है उस लड़की के साथ। पर पता है ना, सारी डील कैश में होती है। बोल तो दिया 25, पर है तुम्हारे पास 25? कॉस है हमारे पास कैश, 25 नहीं होता तो बोलता क्यों, पागल हूँ क्या? नहीं ना, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। कहाँ है? कहाँ है, बहुत अच्छा सवाल पूछा विल्सन तुमने। मेरे पास जो पैसा है वो मेरे आदमी के पास है। और तुम्हारा आदमी कहाँ है? मेरा आदमी अंदर है, मेरा इंतजार कर रहा है। तो ठीक है, चलो अंदर। ओके, लेकिन पहले उससे पहले वो लड़की। पहले पैसे तो देख लूं, उसके बाद लड़की भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने फाइनल किया था। अगर 25 में डील फाइनल नहीं हुई ना तो ये डील तुम्हारी ही होगी। 25 दिखाओ कैश। ओके। है सुन, खुशी को लेके जा और उसको बाहर वाले कमरे में रख दे, जब तक मैं ना बोलू लेके मत आना। ठीक है भाई। ए, लड़की को बाहर वाले कमरे में लेकर जा, जब तक मैं ना बोलू बाहर मत आना।